इंदिरा जी हो, जाड़े की एक गुनगुनी सुबह हो, लॉन पर जमी कुर्सियां हो और फुर्सत हो, फिर हम आप पड़ोसियों की तरह उनके पास बैठकर ढेर सारी बातें करें। राजनीति नहीं, दुनिया जहान की नहीं, धर्म और विज्ञान की नहीं, बाल बच्चों की, घर बार की, बड़े बड़े सवाल नहीं कि भारत को किस दिशा में जाना है, बल्कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे सवाल, घुटनों के बल चलते सवाल कि राजीव ने बचपन में उन्हें कितना तंग किया। बचपन में उसने बहुत ही कम तंग किया। जब बिल्कुल छोटा बेबी था तो महीने भर तो रात और दिन रोया, और इत्तेफाक से मैं अपनी बुआ के संग ठहरी थी तो उन लोगों ने देखभाल की, मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं जरूर घबराई कि अब इलाहाबाद वापस ले जाऊंगी, अगर इसी तरह से रोएगा तो क्या होगा। लेकिन उसने रेल नहीं बंद कर दिया और उसके बाद जरा भी तंग नहीं किया। अकेले अपने खेलता था, फिर आस्ते आस्ते थोड़ा बड़ा हुआ तो एक आध मित्र भी बने पड़ोस के और दूसरे लोगों के। शरारत तो जैसे मामूली बच्चे करते हैं वैसे थे, ज्यादा शरारती नहीं, कभी तंग नहीं किया। अब बसंत क्या था, असल में वो जमाना था जब, क्योंकि उसकी संगे से उम्र बड़ी थी तो मेरे पिता से ज्यादा निकट था वो, तो वो कहीं जाते थे तो अक्सर संग ले जाते थे, मैं न भी जाऊं तब भी। और उनको घोड़े का शौक था तो उनके संग घोड़े की सवारी करता था। उनको बहुत उनका विचार था कि हर एक बच्चे को तैरना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे डूबते हैं नहीं आने से, तो इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में उसको तैरना सिखाया। और तैरना ही उसका सबसे उसको पसंद था। वैसे तो स्कूल में जैसे खेलते हैं फुटबॉल इत्यादि, गुल्ली डंडा, वैसे देहाती खेल भी शहरी खेल भी, लेकिन सबसे ज्यादा शौक तैरने का था। उस वक्त छुट्टियों में मैं बच्चों को हमेशा पहाड़ ले जाती थी, और हम लोग घर में भी रहे बड़े घर में लेकिन बहुत ही सादगी से हमेशा रहे, लेकिन जब पहाड़ जाते थे तो हम लोग हमेशा तंबू में रहते थे और दूर जगह। तो आमतौर से हफ्ते भर का खाना वाना, मतलब अनाज वनाज ले आते थे हफ्ते भर में, और फिर वहाँ खुद सब काम करते। वैसे घर में भी मैंने बच्चों से हमेशा खुद ही काम करवाया, उनसे उनके नौकर बहुत थे, लेकिन अपना कमरा साफ रखना, पलंग बनाना, ये सब खुद करते थे। फिर क्योंकि हम लोग मेरे पिताजी के घर में रहते थे, और बाद में जब एमपी का थोड़ी ही एक डेढ़ दो साल बाद ही मेरे पति भी एमपी हो गए, तो फिर वो भी वहाँ रहते थे हमारे साथ। तो उनको, पंडित जी को बहुत ख्याल था कि चीज़ें समय से हों, तो बराबर वक्त जो बंधे थे खाने के, उस वक्त हर एक को वहाँ मेज पर हाजिर होना होता था। तो दोनों बच्चों को भी इसकी आदत रही, और जो पकता था वो खाना होता था। ये कोई प्रश्न नहीं है कि ये अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, तो खाना हमारे यहाँ तो सादा ही रहता था आमतौर से। खाने का जिक्र आया तो एक मीठा सा सवाल कि राजीव को खाने में क्या पसंद है? देखिए वो इतना कम खाते हैं कि मुश्किल है कहना कि क्या रिश्ते। पंडित जी के तरह उनको मीठे का शौक है, लेकिन क्योंकि मुझसे वजन बढ़ जाता है इसलिए खुद अनुशासन पूर्वक तो कम खाते हैं। जब मेरे पिताजी थे और हम लोग सब काम पे बहुत रहते थे, तो सुबह उनकी राय थी कि सुबह लोग ठीक से खा लें, फिर दिन भर में समय ना मिले ना खाएं तो कोई चिंता नहीं, इसलिए उन्होंने दलिया खाने की आदत डाली थी। और अभी भी राजीव का सबसे शौकीन, मतलब खाना अगर चुन किस खाए तो दलिए, अभी भी वही खाता है ज्यादा। और फिर ठुमकते हुए सवालों की एक भीड़, कैसे रहते थे राजीव और संजय, क्या क्या शौक थे राजीव के, राजीव की जिंदगी की किताब में कौन सा पन्ना उनके नाना का है, कौन सा उनकी माँ का और कौन सा उनके पिता का? एक बहुत
प्रैक्टिकल, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, व्यवहारिक प्रकार से काम करना, कि ये सोचना कि एक विचार तो उसके पीछे ही है और आदर्श भी हैं, दिशा भी है, लेकिन किस तरह से क्षमता पूर्वक और सफलता पूर्वक वो पूरा हो सके काम, उसमें सारी योजना बनानी, मतलब जैसे हमारी योजना के विचार है वैसे, लेकिन मन में एक एक कदम क्या लिया जाएगा जिसमें ये काम ठीक हो, ज्यादा से ज्यादा भलाई हो। हमारे घर में हमेशा बहुत से लोग आते रहते थे, उसमें किसान, विद्यार्थी, मजदूर, धार्मिक यात्री, हर प्रकार के, देश के हर प्रांत से हमेशा से लोग आते रहे, इलाहाबाद में भी आते रहे और दिल्ली में भी। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि या भीड़ ज्यादा है या ये सिक्योरिटी के कारण किसी को रोका जाता था, तो अक्सर ये बाहर जाते थे और अगर उनसे कहा कि हम तो आपके नाना से मिलने आए, हमको नहीं जाने दिया, तो ये पता करते थे भाई आपकी क्या बात है क्या नहीं। फिर मेरे पास आते थे कि उसकी ये कहानी है, क्यों नहीं नाना मिल रहे हैं, हम ले आए, तो अक्सर वो जाके ऐसे ले आते थे या खुद कोशिश करते थे कि कौन बात ठीक कर सकता है, अगर किसी और से मिलने से हो जाए तो किसी और को मिला दें। इसी प्रकार से एक दफे ये दोनों लड़के पहलगाम थे, तो मैं तो सब वक्त रह नहीं सकती थी, तो मैं जाती थी फिर आ जाती थी, तो मैं जा रही थी तो मैंने लिखा कि मैं आ रही हूँ, तो यहाँ से अगर कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कुछ मिलता नहीं था उस जमाने में, कोई खिलौना या कोई ऐसी चीज़, तो जवाब आया कि हमें खाली बोतलें चाहिए। हम सबसे बड़ी हटाई और आश्चर्य भी लगा कि भाई खाली बोतलों से क्या होगा, देखा जितनी ला सको उतनी लाओ। खैर हमने ढूंढा घर भर में, कुछ दूसरे दोस्तों वोस्तों से दिखा और कुछ टोकरियां भर के ले गए, तो कहा कि भाई क्यों चाहिए, उन्होंने कहा यहाँ एक डिस्पेंसरी है, और जब गरीब लोग जाते हैं दवा लेने तो कहते हैं अपनी बोतल लाओ तो उसमें देंगे, और अगर बोतल नहीं होती है तो बेचारे को दवा नहीं मिलती, इसलिए तो इस प्रकार से हर वक्त एक दूसरे का ध्यान रखना, बहुत चुपचाप थे। तो जब बहुत ये काफी छोटे थे दोनों भाई, तो संजय के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था, तो आपको मालूम है भाई हैं, छोटे जब बच्चे होते हैं तो झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन जितने देर ऑपरेशन मतलब हुआ तो बाहर बैठा रहा कमरे के, कि हम यहीं बाहर बैठेंगे जहाँ हो रहा, और फिर जब कमरे में लाया गया अस्पताल में, तो खुद बैठा और कहा नहीं मैं उस वक्त हर वक्त मुंह पोंछना होता है क्योंकि वो टपकता रहता है कुछ, तो नर्स थी मैं थी, कहने हम करेंगे भाई का, तो खुद देखता रहा, मगर जैसे ही संजय को होश आया वैसे अच्छा अब हम जाते हैं। तो इस तरह से मतलब दिखावी चीज से बहुत हमेशा झिझकता है, लेकिन काम के वक्त या जब चिंता का होता है तब हमेशा साथ देने की आदत रही है। एक दफे इसी प्रकार से वो मेरे पति जा रहे थे लखनऊ, क्योंकि उस वक्त उनका काम लखनऊ में था, तो कुछ समय लखनऊ रहते थे कुछ समय दिल्ली, तो राजीव ने कहा हम स्टेशन पहुंचाने जाएंगे, मैंने कहा फिर रेल बहुत देर है, तुम्हारे सोने का समय हो गया है कि नहीं, हम पहुंचाने जाएंगे। तो खैर वो गए, अब रेल जाने का वक्त हो गया, ये वापस नहीं आए, अब इनका क्या हो सकता है, तो हमने स्टेशन फोन किया, उनका नहीं रेल तो समय से चली गई, पहले मुझे हुआ कि शायद इन्हें लगा होगा हम संग लखनऊ जाएंगे और चले गए होंगे, तो खैर उसमें कोई चिंता की बात नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे जरूर स्टेशन से मेरे पति फोन करते अगर ऐसा होता तो, क्योंकि कपड़े पर तो कुछ ले नहीं गया, तो वैसे हमारी चीजें वहां भी रहती थी क्योंकि लखनऊ में भी घर था उस वक्त। तो फिर मैं तैयारी हो रही थी कि क्या करूं कहां जाऊं, कि फिर पहुंचे, पहला सवाल किया कि तुम्हें चिंता तो नहीं हुई थी, तो मैंने कहा मुझे तो बहुत चिंता हुई थी, पहले रास्ते में जब हम गए वापस आ रहे थे तो हमारी मोटर रोक ली किसी ने, और वहां रेडफोर्ट के सामने सर्कस हो रहा था, और वो सच है कि वो लोग मेरे पास आए थे और मुझे कहा था कि आप बच्चों को लेके इस दिन आइए, मतलब संजय तो बहुत छोटा था, उसके जाने का तो प्रश्न नहीं था, तो मैंने कहा था कि नहीं कोई खाली नहीं है और मेरे पति जा रहे हैं इस वक्त, मैं कहीं ऐसी जगह जाने, तो उन्होंने मोटर रोक ली और हमें उतार लिया, खैर इनके संग नौकर वोकर भी था, तो हम हर बराबर कहते रहे कि उनको परेशानी होगी, उनको आप कहिए, तो उनका नहीं बस 5 मिनट बैठना है,
और फिर हमें वादा भी किया कि हम फोन कर देंगे। ये हमारे घर में सबको था कि भाई अपने पैर पे खड़ा होना है। और मैं भी जब बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता अधिकांश तो जेल में या आंदोलन में लगे रहते थे। और मुझे ये कल परसों ही कोई पूछ रहा था कि अकेलापन नहीं लगता था या बोझ तो नहीं लगता था या ये तो नहीं लगता था कि माता पिता वहां नहीं है। तो मैं इनका नहीं, क्योंकि शुरू से मुझे लगता था कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। और मेरा कर्तव्य है कि जो भी मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकूं वो करूं, बहुत छुपने से। और मैं समझती हूँ यही भावना इन दोनों में भी आई, क्योंकि मेरे संग इन्होंने कभी मांगा नहीं। जैसे हम सुनते हैं बच्चे कह रहे हैं हमें ये खिलौना चाहिए, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता है कि कोई चीज इन्होंने कहा ये हमें चाहिए, ये ला दो। हमें सोचना होता था भाई क्या चीज अच्छी लगेगी जो हम दे सकते हैं। मगर अक्सर ये पूछते थे हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे घर में भी बिना कोई कहे के शिक्षा दे रहा है, एक माने में हर समय शिक्षा मिल रही थी किस तरह से। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो सादगी मेरे दोनों लड़कों के जीवन में आई और काम करने की आदत, जबरदस्त परिश्रम, आपने भी इनके संग देखा होगा, क्योंकि मैं तो खैर मेरी तो आदत है, मैं समझी कि क्योंकि खास छुटपन से मैं एक परंपरा में पली आजादी की लड़ाई में, इसलिए है। लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि सुबह से लेके और सुबह तक करीब करीब कोई ना कोई मीटिंग और काम चलता है। जब सब खत्म होता है हम कहते हैं कि बैठो नहीं, नहीं अभी मेरे खत कागज बाकी हैं। तो जबरदस्त ये क्षमता काम करने की और हर समय यही देखना कि कैसे सेवा हो सकती है। और जो चीजें आमतौर से लोगों को जिसमें शौक होता है वो बिल्कुल कभी नहीं, दोनों ही लड़कों में ना, या तो ऐसा था कि हमारे घर का जीवन ऐसा था, लेकिन आमतौर से खेलते थे तो घर में अपने मित्रों को बुलाते थे, उनके घर जाते थे। लेकिन कहीं और जाना, सिनेमा वगैरह का तो बिल्कुल ही शौक नहीं था। मुझे याद है कि एक दफे मैं ले गई, किसी ने कहा कि बच्चों का फिल्म है और जिद थी कि आप जाइए वो उनको ले जाइए। थोड़ी देर इन्होंने देखा, अच्छा अब आप देखिए हम लोग बाहर बैठेंगे, जब खत्म हो जाएगा तो संग चले। शौक में ये मेरे पति का कि हाथ से काम करना, और इसलिए दोनों ही को बहुत ही बारीक, दोनों बच्चों को और मेरे पति तीनों को बहुत ही शौक था कि हाथ से करें काम, और इतना बारीक और कर सकते थे। बहुत ही छोटे थे राजीव और संजय दोनों, तो कोई भी बिजली की चीज बिगड़ जाए तो हमेशा मेरे पति कहते थे चलो इसको ठीक करो तुम, और वो ठीक करते थे जैसे अब मेरा पोता करता है। वैसे राजनीति और सेवा छोड़ के उनको संगीत का प्रेम है, जो भी मेरे पति से ही शायद मैं सोचती हूँ मुझे भी है, लेकिन मैंने भी उन्हीं से सीखा, और खास तौर से शास्त्रीय संगीत। हर चीज अपनी जगह पे हो, ठीक प्रकार से हो, ये मैं समझती हूँ उनको मेरे दादा से आया है। उनको बहुत इस था, और ये मुझ में भी है, चीजें ठीक से रहें और घर से मिल जाएं। मोटर चलाने में, हवाई जहाज में खैर वैसे तो पायलट थे ही, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हम कईयों के संग हम उड़े हैं, लेकिन इनके संग हमें जो एक विश्वास और इत्मीनान होता था वो सबके संग नहीं होता था कि इनके बिल्कुल काबू में है वो मशीन। बातों ही बातों में पता नहीं कब छोटे छोटे सवाल बड़े हो गए, मगर सवाल छोटे हों या बड़े, बात घर की हो या देश की, मां होने के दायित्व के साथ एक अद्भुत क्षमता भी जुड़ी रहती है कि वो गहरी से गहरी नींद में भी, शायद मौत की नींद में भी, अपने बच्चों के रोने की आवाज सुन सकती है। कहीं उसके बच्चों को चोट तो नहीं लगी, कहीं उसके बच्चे आपस में लड़ तो नहीं रहे, कहीं वो अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। और आजकल तो सबसे बड़ा प्रश्न है देश की एकता का, तो इस एकता में मतलब कमजोरी क्या लाता है? और किसी भी हम सोचे हम इस जाति के हैं इससे हम अलग हैं, इस धर्म के हैं हम अलग हैं, या हम कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, दूसरे प्रांत के हैं, हम तो हमारे लिए बहुसंख्या अल्पसंख्या के सब लोग जो भारत के नागरिक हैं वो एक हैं।
लेकिन वो एकता रह सकती है जब वास्तव में उनको जो संविधान के अनुसार अधिकार है वो पूरे मिले। ये अधिकार कुछ हद तक तो सरकार देती है, लेकिन असल में उनकी जान सुरक्षित रहे, माल सुरक्षित रहे, भाईचारे की भावना हो, आपस में सहयोग हो, काम संग करें, ये तो केवल पड़ोसी ही कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोग, देहात के लोग इस चीज को समझें, और मेरा ख्याल है इसी की कोशिश राजीव भी कर रहा है कि इस प्रकार की सारी जगह भावना एक बने जिसमें वो अपनी कोशिश से स्वयं उठ सकें और एक नया जीवन बना सकें। इन सारे सवालों की भीड़ में दुबका हुआ बड़े धीरज से अपनी बारी का इंतजार करता हुआ आखिरी सवाल, इंदिरा जी को अगर कोई एक शब्द, एक संबोधन चुनना हो जिससे देश उन्हें पुकारे, याद करे, तो वो शब्द, वो संबोधन क्या होगा? माँ कहते हैं।